अनुज ने पता नहीं कितनी देर तक भूना और ये अच्छे से जल गए। तू तो गई हो रे, ये देखो एकदम काला पाउडर बन गया इसका। माँ अभी दिन के खाने की तैयारी कर रही है और यहाँ पर एक स्पेशल सी चीज निकाल रही है। ये देखो गौशाला की हालत कैसे हो रखी है। क्या ही बोलना है, दिक्कत तो है ऐसी जगह पे। धार का मतलब होता है ऐसी टॉप वाली जगह। ये अक्सर तब होता है जब पेड़ों की छटाई नहीं करते हैं। बैकग्राउंड में मिले ये। अनुज का हाथ देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज हम अपने खोल के आगे जितने भी ये कनस्तर रखे हैं इन पे पेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे पेंट के डिब्बे निकाल रखे हैं। अब जो ये वाला पेंट है ये हमारे नए वाले घर का बचा हुआ था, तो चलो इस काम पे आ जाएगा। अब ये कनस्तर जंग से पूरे छिजने लग गए थे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे बाबा जी लगे हैं इन पे कलर करने पे। अभी तो ये रेड वाला कलर लगा रहे हैं, बीच में कुछ छोड़ रखे हैं तो बीच में कुछ और कलर लगा देंगे। कितने साल हुए वाली होता है? 6-7 साल हो गए होगा, जब रिसो छोटा था उस टाइम, उसी के बचाव के लिए कर रखा है। अच्छा, तो नीचे गिर जाता वो तो, दोनों काम शुरू हो गए हमारे, इसमें साग सब्जी भी हो गई और उसका बचाव भी हो गया था। एक्चुअली ये कनस्तर हमने तब लगाए थे जब रिसो छोटा था, तो यहाँ नीचे से हमने कनस्तर रखे, ये तार बाड़ भी देखो तभी कर रखी है। और यहाँ पर रेड कलर के बीच में हम लगा रहे हैं सिल्वर कलर, अगर कोई और कलर भी होगा तो उसको भी बीच बीच में लगा देंगे। अब घर के ठीक सामने जो पहाड़ है वहाँ पर अभी काखड़ यानी हिरन की जोर जोर से आवाज आ रही है। आजकल हमारे यहाँ पे खूब सारे गरुड़ आ रहे हैं, एकदम लंबी उड़ान भरते हैं यहाँ से आगे की तरफ। ये देखो जी, अनुज की बिल्ली फिर से यहाँ पे आ गई है मेरे कमरे के बाहर। चिच्चू, चिच्चू। और देखना पक्का इनके घर में अभी कोई नहीं होगा। कौन है, कहाँ है? ये अपनी बिल्ली को संभाल के रखो यार। अनुज की ड्यूटी लगी आज खाना बनाने की। क्या बना रहा है? एक दाल, सोयाबीन की दाल। चौसा कूटेगा कौन इनको? कसम से क्या होता है, कूट नहीं तो है, ओखली में कूट देगा। ऐसे क्या है तभी, इसमें कूटने में क्या जा रहा है? मुझे तो ओखली में कूटना आता है लेकिन इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे भी कूट ही लूंगा वो, कूटना ही तो है। ये लो अपनी बिल्ली को संभाल के रखो, जा जा। मेरे कमरे में आ रही बार बार। अंदर देखो मस्त, अनुज ने चावल भी रख दिया। चावल लिया उसमें? क्या कितने आदमियों के लिए है ये, दो कि तीन? दो। दिन होते होते जैसे धूप तेज हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। और देखो मैंने अभी टोपी पहन ली, छोटे से बाल है मेरे तो धूप ज्यादा महसूस होती है। बाकी यहाँ पर एक चीज है, दिन में बहुत तेज हवा चलती है। कहाँ से आ रहे हैं अभी? क्या काम किया? क्या हो रखे दांत में? वो उसमें छेद हो रखा है ना। दिखा तो। मीठा खाता होगा ज्यादा? नहीं, छोटे में खाता था आपने। अब हरदीप का घर यहाँ से नीचे है। एक रीजन बता, यहाँ पे हवा क्यों चलती होगी ज्यादा? धार में नहीं। क्या मकान? अनुज क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है? धार है तो। ये भी देखो कितनी तेजी से हिल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आज ही हो रही है, हमेशा इतनी तेज हवा होती है यहाँ पे। धार का मतलब होता है ऐसी टॉप वाली जगह, ऐसे तो आपको पता नहीं लगेगा। मेरे पास कुछ पुराने ड्रोन शॉट हैं तो उनको दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। माँ अभी दिन के खाने की तैयारी कर रही है और यहाँ पर एक स्पेशल सी चीज निकाल रही है। यहाँ पे इस वाली दीवार पे देखो, ये है अरमोड़ो, और ये ना टेस्ट में खट्टा होता है, तो इसको ना सब्जी में मिलाते हैं तो सब्जी थोड़ी सी टेस्टी बनती है। और साथ में इसमें निकाल रखी है राई, राई और पालक, और ये ना तुड़के के काम में आते है, इसको हमारे यहाँ पे फरण बोलते हैं। बहुत खुशबू, खुशबू की खुशबू।
अब कुछ दिन पहले तक इस वाले पेड़ पे खूब सारे माल्टे लगे हुए थे, अब निकाल दिए हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, खाली खाली सा। बाकी यहाँ पर लगभग सारे कनस्तरों पे अभी पेंट हो गया है कुछ इस तरह से, जो कि अब दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, साथ में जंग से भी बच जाएंगे, तो एक दो साल तो चली जाएंगे। अब कुछ कुछ कनस्तर एकदम जंग से ऐसे हो गए हैं पूरे खराब, तो इनकी जगह हम दूसरा रख देंगे। अनुज का टेस्ट होगा आज, क्या अनुज ओखली में कूट पाता है कि नहीं पाता है। मुझे लगता है अनुज ने जो सोयाबीन भुने है ना वो ज्यादा भुने और वो जल गए। तू तो गई हो रे। ओह कोई बात नहीं, होता रहता है। ये देखो एकदम काला पाउडर बन गया है इसका। कितने टाइम बाद बना रहा हूँ आज। देख ले देख ले, देख इधर देख। अनुज एक्सपोज हो गया। दिखा, ये देखो फेंकना पड़ गया है ना। देखो फिर से दूसरे सोयाबीन आ गए हैं, चाची जी को पता लग जाएगा। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो ये सोयाबीन रहते हैं इनको हल्का हल्का भूनना पड़ता है, तो अब थोड़ी बहुत मदद मैं करूंगा और चाची जी को तो पता लग ही जाएगा कि इतने सोयाबीन बर्बाद हुए। चावल बन गया, हो गया रेंद्र रेंद्र। सोयाबीन पे हल्की सी आवाज आने लग गई है, तो ये हल्के से भून लिए हैं, अब ले चलते हैं इनको ओखली में। उठा जल्दी उठा, फिर से जल जाएंगे वो। देखिए जी, इससे एक चीज पता लगती है, एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। और शायद आज हमारे यहाँ भी सोयाबीन का ही चौंसा बन रहा है। अब सामने वाले पहाड़ पे देखो, खूब सारी भेड़ बकरियां हैं जो कि अभी चरने के लिए गई हुई हैं। अब कुछ टाइम पहले जब वहाँ पर सूखी घास थी तो वहाँ पर किसी ने आग लगा दी थी, आजकल वहाँ पे छोटी छोटी घास उग के आई हुई है, तो इसलिए लोग वहाँ पर भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं। माँ भी यहाँ पर खाना बनाने पे लगी हुई है। क्या बन रहा है आज? सब्जी, चावल, सब्जी। आज यहाँ पर चाची जी भी आ रखी हैं, चाची जी भी हमारे परिवार की हैं, मतलब यहीं पर पहले रहते थे, अब इनका घर ऊपर गांव में है, तो आज चाची जी का खाना भी हमारे यहाँ पे बनेगा। चलिए जी, दिन का लंच भी तैयार है, बना है चौंसा भात और ये है अरमोड़ो और राई की सब्जी। मूवी पूरी नहीं हुई यार। अब दिन में खाना खाने के बाद हम लोग एक मूवी देखने लग गए थे, मैं और अनुज, अवतार। 3 घंटे की मूवी है, अभी भी पूरी नहीं देखी है। और अभी शाम के टाइम पे मेरे पापा गए हैं हल लगाने के लिए, जो चाची दिन में हमारे यहाँ पे आई थी उनके खेत यहाँ पर भी हैं, तो उनके खेत में हल लगानी है। और यहाँ पर देखो जिन कनस्तरों में रंग लगाया था, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर ये परिया है, परिया पर भी एकदम बढ़िया रंग लगा दिया है। गई अनुज छत में बॉल खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चले गई। दिखी भी? दिख रही थी, तभी तो जा रहा हूँ। पता नहीं, बार बार यहाँ हमारी बहुत सारी बॉल गिर जाती हैं। नहीं मिली वो ऊपर वाली छत से गिरी अभी बॉल, और पता ही नहीं कहाँ चले गई। हेलो, ये देखो गौशाला की हालत कैसे हो रखी है। घास के बीच देखो अनुज थोड़ा सा दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे, पता नहीं कहाँ जा रखा है। अब क्या ही बोलना है, दिक्कत तो है ऐसी जगह पे, इसीलिए खेत में नेट लगा रखा है। लेकिन घर में भी जब खेलते हैं तो बॉल छत से गिरी जाती है, और जब गिरती है तो फिर रुकती नहीं है। मिली? चलिए जी, फाइनली बॉल भी मिल गई। कसम से यहाँ पर आने कितनी बॉल गिर रखी है हमारी, एक तो यहाँ पर भी है गिर रखी। पैर पे अभी गर्म पट्टी बंधी हुई है, और ये हर टाइम बंधी रहनी चाहिए जब तक पैर अच्छे से ठीक नहीं होता है। अभी शाम के 5 बज गए हैं, माँ भी शायद खेतों की तरफ गई हुई है, तो चलो जी खेतों की तरफ चलते हैं। और इस वाले खेत में तो देखो थोड़ा हल भी लग गया है, ये खेत पहले सीधे थे यहाँ से आगे की तरफ, अब देखो यहाँ से ये वाला खेत जा रहा है यहाँ से नीचे 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 की तरफ। ये पूरी जमीन जहाँ पर भी ये खेत हैं धसती जा रही है, पहले दादा इनके टाइम पे ये खेत बिल्कुल सीधे थे, धीरे धीरे हर साल ये नीचे नीचे धसते जा रहे हैं। जिन चाची लोगों के खेत में अभी हम हल लगा रहे हैं उनका पुराना घर भी यही है। ये देखो यहाँ ऊपर अब तो पूरे खंडर हो गए हैं ये।
ये ऊपर ताए लोगों का कालू है, अक्सर शाम के टाइम पे हमारे यहाँ पे आया करता है ना। और आज इसका दोस्त गायब है यहाँ से, कालू। यहाँ छत के किनारे पे जो माल्टे का पेड़ है, यहाँ पर भी एक दो माल्टे हैं पेड़ पे। गाइस तो मूवी में भी वो ऐसे ही जा रहे थे, अवतार मूवी में भी ऐसे ही जा रहा था वो पेड़ों पे। ये देखो मेरी बस की नहीं। ना कर रहे, मेरा घोड़ा है। दिन के टाइम पे जितनी तेज हवाएं चलती हैं आजकल यहाँ पे, शाम के टाइम पे उतना ही शांत माहौल रहता है। देखो ना, पेड़ के एक भी पत्तों में कोई भी हलचल नहीं है। अब यहाँ पर भी ये पेड़ धीरे धीरे सूखने लग गया है, इसकी कुछ टहनी सूख गई है तो नीचे यहाँ पर उन्हीं को निकाल रही है। ये अक्सर तब होता है जब पेड़ों की छटाई नहीं करते हैं। और यहाँ पर देखो इतनी लकड़ियां निकल गई है उससे, ये उल्टा काम की हुआ नहीं हमने। ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ से नीचे छलांग मार रहे, यहाँ से ऊपर आ रहे, क्या ये बंदर चाल निकाल रखी है। ये मेरे को अवतार मूवी का क्या बोलते हैं उसको, रोमांच चढ़ गया है। अब मुझे एडवेंचर करने का मन कर रहा है। ये देखो ला तुम खोट तो न। अनुज का हाथ देखो, बिल्ली ने पूरे नाखून चुबो दिए उसमें। गलत काम का गलत नतीजा होता है, तुझे पता है इससे क्या होता है? I don't know, man. अब हमारे खेतों में देखो सरसों भी पकने लग गया है। चाची जी के हाथ पे देखो थोड़ा सा है, और यहाँ पे डॉली के हाथ पे भी। चाची जी बता रहे हैं कि खराब हो गया, साफ खराब नहीं।